नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष की इस द्वितीय कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आर्थिक भूगोल आपका द्वितीय प्रश्न पत्र है, उसके अंतर्गत हम प्रथम इकाई का दूसरा पार्ट आज लेने जा रहे हैं। प्रथम हिस्से में आपने पहले हिस्से में आपने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक व्यवसाय कौन कौन से होते हैं और उनके आधार पर कौन कौन सी आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं, इसके बारे में आपने अध्ययन किया। आज हम इसमें मुख्य रूप से प्राथमिक व्यवसाय की बात करने वाले हैं। जो मनुष्य का सबसे प्राथमिक, जो प्रारंभिक व्यवसाय रहा है, वो प्राथमिक उसके अंतर्गत आता है और इसमें हम मुख्य रूप से कृषि और उससे संबंधित उद्योगों पर बातचीत करेंगे। आज इकोनॉमिक ज्योग्राफी आपका ये यूनिट वन है। आज हम जो यूनिट वन के दूसरे पार्ट में जिस की चर्चा कर रहे हैं, उसमें ज्योग्राफी ऑफ प्राइमरी एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। जैसे आपने पिछले व्याख्यान में भी समझा और आप जानते हैं कि भूगोल प्राथमिक गतिविधियों का विज्ञान है, जिसमें हम सीधे तौर पर जब प्रकृति से कोई उत्पाद प्राप्त करते हैं, जिसमें मनुष्य का केवल उसमें श्रम होता है और वो हमें प्रकृति प्रदत्त होता है, उस पर आधारित जो गतिविधियाँ या आर्थिक क्रियाएं होती हैं, उसे हम प्राथमिक गतिविधियाँ या प्राइमरी एक्टिविटी का साइंस कहते हैं। इसमें सबसे प्रमुख एग्रीकल्चर है या कृषि उत्पाद का भूगोल है। आप जानते हैं कि मानव सभ्यता के बारे में हमें जितनी भी जानकारी मिली है, जब भी हम चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता की बात करें या मेसोपोटामिया की बात करें या यांगटे सिक्यांग नदी के किनारे की बात करें, हम सभ्यता के किनारे पर ये पाते हैं कि वहाँ पर प्राचीन काल से मनुष्य खेती का कार्य कर रहा है। खेती किस तरह की थी, इसमें अलग अलग तरह, जैसे जैसे विकास होता गया, खेती में भी विकास होता गया, लेकिन प्रारंभिक रूप से मनुष्य खेती के कार्य को बेहतर ढंग से जानता था और वो प्राकृतिक उत्पादों का इस्तेमाल अपनी आवश्यकताओं और अपनी भोज्य सामग्री और अपनी अन्य आवश्यकताओं के लिए इस्तेमाल करता था। इसमें हम आज जिन क्रॉप की बात करेंगे या जिन फसलों की बात करेंगे, उसमें है गेहूँ, चावल, राइस, शुगरकेन, गन्ना, टी, चाय, कॉफ़ी, कहवा जिसे कहते हैं, कॉटन, कपास, जूट, वूल, ऊन, रबर, इनकी मुख्य रूप से यही आपके पाठ्यक्रम की प्रथम इकाई में है। हम इनकी विस्तार से बातचीत करेंगे आज इस व्याख्यान के माध्यम से। सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश करें कि एग्रीकल्चर है क्या। एग्रीकल्चर मुख्य रूप से ये एक शब्द है, एग्रीकल्चर डेराइव्ड फ्रॉम लेटिन वर्ड, ये लेटिन भाषा का एगर शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है लैंड या फील्ड, जो जमीन है या भूमि उसको कहा जाता है, और कल्चर का मीन्स है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन मतलब कल्टीवेट करना। इट मीन्स द साइंस ऑफ आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक फ्रॉम इकोनॉमिक, मतलब हम जमीन से जो उत्पाद प्राप्त करेंगे या जो उपज प्राप्त करेंगे, उसकी जो आर्ट है, और उसमें लाइफ स्टॉक फॉर इकोनॉमी, उसमें पशुपालन भी सम्मिलित है, इन दोनों की मिलाकर जो क्रिया की जाती है वो कृषि कार्य कहा जाता है। इसका पर्पस क्या है? पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर इज़ एन आर्ट ऑफ राइजिंग प्लांट ऑफ लाइफ, उसका उत्पाद को बढ़ाना, और सॉइल फॉर देयर यूज मेनकाइंड, हमारे उपयोग के लिए वहाँ की मिट्टी की गुणवत्ता की उपयोगिता प्लांट के माध्यम से करना और उससे उत्पाद प्राप्त करना। इसे कहा जा सकता है कि एग्रीकल्चर इज़ द साइंस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग, ये हमारा एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम खेती करते हैं और अलग अलग तरीके से खेती करते हैं, अलग अलग आवश्यकताओं के अनुसार हम खेती का कार्य करते हैं। अब आप सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप अगर पूरे विश्व के ग्लोब पर अगर आप नज़र डालें तो आप पाएंगे कि सब तरफ एक जैसी खेती नहीं होती है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि कुछ स्थानों पर गेहूं अधिक मात्रा में उगाया जाता है, कुछ स्थानों पर चावल होता है, कुछ स्थानों पर कॉफ़ी होती है, कहीं गन्ना होता है, तो ये विभिन्नता क्यों है?
ये विभिन्नता वहाँ की फिजिकल फीचर के कारण है, वहाँ की जो भौतिक पृष्ठभूमि है या फिजिकल फीचर सब जगह एक जैसे नहीं है। आप जानते हैं कहीं पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है, तो जहाँ जिस तरह की स्थलाकृति पाई जाती है वैसी क्रॉप वहाँ पर होती है और वो उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग होती है कि उसका लेटीट्यूड कैसा है, लॉन्गिट्यूड क्या है, एल्टीट्यूड क्या है, ये सारे फिजिकल फीचर डिसाइड करते हैं कि कौन सी क्रॉप किस स्थान पे उगेगी। यही इसकी विभिन्नता का कारण है। जब आप नज़र दौड़ाएं और आपको ये विभिन्नता देखने को मिलेगी, कुछ जगह पर कुछ ही फसलें उगाई जाती है, हर कोई फसल हर किसी स्थान पर आप कोशिश करके भी उगा नहीं सकते, तो उसके पीछे जो बेसिक कारण है वो हमारे भौगोलिक फैक्टर कहलाते हैं या उसमें भौतिक कारक सबसे महत्वपूर्ण है। तो भौतिक कारक में सबसे पहला कारक क्या आता है? भौतिक कारक में सबसे पहला कारक आता है रिलीफ और टोपोग्राफी। आप जानते हैं कि उच्चावच सब तरफ एक सा नहीं है, कुछ स्थान हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, कुछ पठारी क्षेत्र है और कुछ मैदानी क्षेत्र है। खेती अलग अलग तरह से हर स्थान पर होती है। जहाँ पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे मुख्य रूप से चारागाह होता है। आप जानते हैं कि ऊंचे ढलानों पर जो ट्री लाइन होती है या हिम रेखा होती है वहाँ पर बहुत आसानी से छोटी घास उगती है और वो जो छोटी घास होती है वो पशुचारण के लिए सबसे उपयोगी होती है, इसलिए उन स्थानों पर पशुचारण प्राथमिकता के रूप में होता है और वो चलवासी पशुचारण भी होता है। पशुचारण के भी कई तरीके हैं। तो एक स्थान पर ग्रेजिंग करके ख़त्म हो जाता है मान लीजिए चरागाह, तो वो शिफ्ट हो जाते हैं दूसरे स्थान पर। जैसे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ट्री लाइन भी शिफ्ट होती है, पहले नीचे होती है फिर थोड़ी ऊपर होती है, उसी के अनुसार आपके चरागाह भी शिफ्ट होते हैं। तो पर्वतीय क्षेत्रों पर इस तरीके के चरागाह होते हैं। कुछ पर्वतीय क्षेत्रों पर जहाँ पर मनुष्य स्थायी रूप से निवास करने लगा है वैज्ञानिक उन्नति के साथ साथ, वहाँ पर वो टेरेस फार्मिंग करता है। आप जानते हैं कि खेतों पहाड़ों के किनारों को काट कर उसको प्लेन करके और उसमें बंधन बनाकर जिसको बडिंग बोलते हैं, बडिंग बनाकर वहाँ पर खेती करने की कोशिश की जाती है। तो पर्वतीय क्षेत्रों पर सीढ़ीदार जैसे टेरेस फार्मिंग कहा जाता है, तो उन स्थानों पर टेरेस फार्मिंग होती है। खासकर बागातीय फसलें, आप जानते हैं बागातीय फसलें इस तरीके के सीढ़ीदार खेतों में होती है। यह आपको कई पर्वतीय इलाकों में देखने को मिलेगी, खासकर आप हिमालयी क्षेत्रों में चले जाएं वहाँ पर, या आप ब्राज़ील और उसके आसपास चले जाएं, या आप दक्षिण एशिया चाइना और वहाँ पर देखें तो सीढ़ीदार खेत आपको कई जगह देखने को मिलेंगे, खासकर जहाँ प्लांटेशन बागातीय फसलें हम लेते हैं सीढ़ीदार खेतों के माध्यम से, तो पर्वतीय क्षेत्रों का भी इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है पठारी क्षेत्र। पठारी क्षेत्र बहुत उपयोगी होता है और वहाँ के सॉइल पठार आप जानते हैं कि दो तीन तरह से होते हैं, खासकर लावा मिट्टी के इरोजन से जो बनने वाला, लावा मिट्टी के बिछने से जो बनने वाला पठार है, उन पठारों पर बहुत फर्टाइल आपको सॉइल मिलती है और वहाँ पर हम तरह तरह की फसलें लेते हैं। खासकर आप देखें कर्नाटक का पठार, मालवा का प्लेट्यू, जहाँ पर ज्वालामुखी के लावा से जो बिछाई गई मिट्टी है वो मिट्टी की डेप्थ बहुत ज़्यादा होती है, वो मिट्टी बहुत उपयोगी होती है और बहुत उपजाऊ होती है। खासकर जब आप मालवा के पठार की बात करते हैं तो ब्लैक सॉइल मिलती है जो कपास के लिए बहुत उपयोगी होती है, उसका नाम ही ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे जितने भी पठारी क्षेत्र हैं उन पठारी क्षेत्रों में इस तरह की खेती होती है। वो सब सर्वाधिक उपजाऊ आप कह सकते हो, वहाँ पर मिट्टी पाई जाती है और वहाँ पे हम तरह तरह की फसलें लेते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे तो मैदान तो आप जानते हैं कि मैदान सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र है। जो मनुष्य की सभ्यता जितनी उदय हुई आप जिनको जानते हैं वो सब नदी घाटी की सभ्यताएं थी, और वो नदी घाटी के किनारों पर चूंकि हर वर्ष नदी अपने बाढ़ के मैदान से नई मिट्टी बिछाती है, वो चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता हो, चाहे दजला फरात की हो, या आप यांगटी सिक्यांग की देखें, तो वहाँ पर आपको खेती देखने को मिलेगी। और मैदानी क्षेत्र में पानी की उपलब्धता बहुत आसानी से है, मनुष्य का श्रम बहुत आसानी से वहाँ पर लगाया जा सकता है, इसलिए वो सबसे सूटेबल होती है, वो सबसे ज़्यादा आसान होता है खेती वहाँ करना। तो सर्वाधिक खेत या सर्वाधिक उपजाऊ वाले जो बड़े क्षेत्र हैं वो आपको नदी घाटी के किनारे देखने को मिलेंगे, जैसे गंगा यमुना दोआब
के नाम से जानते हैं। ये विश्व का बहुत बड़ा उपजाऊ और बहुत सघन खेती करने वाला इलाका है। ऐसे तमाम आप नदी के किनारे की सभ्यताएं देखेंगे जहाँ पर आज भी हम सबसे ज़्यादा खेती कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा उत्पादन ले रहे हैं उन इलाकों का। तो ये तो हुआ कि रिलीफ या टोपोग्राफी के अकॉर्डिंग आप कैसे करते हैं। इसी में आप जानते हैं घाटियों में भी खेती होती है, जब दो पर्वतों के बीच का जो घाटी वाला क्षेत्र होता है वहाँ पर भी हम खेती करते हैं और वो सर्वाधिक उपजाऊ खेती होती है, जहाँ पर उतरती हुई हवाएं, जैसे सेब की आप कश्मीर में देखें जहाँ पर सेब होता है, या जिस तरीके की प्लांटेशन वाली जो खेती होगी वो आपको घाटियों में देखने को मिलेगी। तो सबसे ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर कि कहाँ पर किस तरह के क्रॉप हम लेंगे, ये डिसाइड कौन करता है, ये डिसाइड वहाँ की स्थलाकृति करती है। तो आप जब खेती पढ़ेंगे या कृषि के कार्य पढ़ेंगे तो आपको बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो कृषि के उत्पाद पर और कृषि के वितरण पर या फसलों की विभिन्नता पर प्रभाव डालते हैं। तो उसमें आपने देखा सबसे पहले कि फिजिकल फैक्टर, अब इसी में क्लाइमेट आता है। क्लाइमेट भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उतना ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जितना कि रिलीफ है। रिलीफ का डिपेंड भी क्लाइमेट पर होगा कि हम देखते हैं भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधे होती हैं और जैसे जैसे हम उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जाते जाते हैं हमारे तापमान की मात्रा कम हो जाती है और उसके कारण आप विभिन्नता तापमान में विभिन्नता देखने को मिलते हैं। तो क्लाइमेट के अंतर्गत न केवल तापमान, सूर्य के कितने दिन आपको सूर्य ताप मिलता है, वहाँ पर वर्षा कैसी है, वर्षा की मात्रा कितनी है, आर्द्रता कैसी रहती है, इवापोरेशन कितना होता है, ये सारे फैक्टर उसमें काम करते हैं। वर्षा आप जानते हैं कि जहाँ पर सर्वाधिक वर्षा होती है वहाँ पर उस तरह की क्रॉप ली जाती है जिन क्रॉप को सबसे ज़्यादा पानी लगता है, जहाँ पर मीडियम वर्षा होती है वहाँ पर उस तरह की खेती की जाती है जहाँ पे जिन फसलों को कम पानी लगता है, और जहाँ पर सिंचाई के साधनों का विस्तार हुआ है वहाँ पर हम उसके में कोशिश करते हैं कि और भी ज़्यादा उपयोगी बना सकें उन इलाकों को। लेकिन आप देखते हैं कि दुनिया के सबसे ज़्यादा डेजर्ट जहाँ भी फैले हैं, वो चाहे सहारा का हो, वो कालाहारी हो या अटकामा हो या गोभी का रेगिस्तान हो, ये सारे रेगिस्तान वहाँ पर प्राप्त होने वाली वर्षा की मात्रा पर ही निर्भर करते हैं कि वहाँ पे वर्षा सर्वाधिक कम है अगर तो वो इलाके डेजर्ट होंगे और वहाँ पे आप किसी भी तरह की खेती कार्य नहीं कर सकते। तो तापमान तो निर्धारित करता ही है कि कौन सी खेती होगी या कितनी खेती हो सकती है, साथ में वर्षा भी वहाँ पर प्रभावित करती है, फिर उसके साथ आर्द्रता भी आती है कि वहाँ पर ह्यूमिडिटी कितनी बनी रहती है। कुछ फसलों को ह्यूमिड इलाके चाहिए होते हैं, कुछ फसलों को ह्यूमिडिटी ख़राब करती है, उन्हें नहीं चाहिए होती। तो जहाँ पर आर्द्रता का जैसा वितरण होगा उस आधार पर वहाँ का क्रॉपिंग पैटर्न डिसाइड होता है। तो जितने क्लाइमेट के फैक्टर हैं वो सारे फैक्टर, वो चाहे टेम्परेचर हो, वो चाहे आपका इरिगेशन इवापोरेशन हो या ह्यूमिडिटी हो या रेनफॉल हो, ये सब वहाँ की खेती को डिसाइड करते हैं, खेती को डिसाइड करने वाले फैक्टर होते हैं। फिर सॉइल, आप जानते हैं कि सॉइल वहाँ की बेसिक जो रॉक है, जिस चट्टान है, उसके टूटने फूटने से उसकी ऊपरी परत का निर्माण होता है। अलग अलग तरह की चट्टानों से अलग अलग तरह की मिट्टी मिलती है। आप जानते हैं कि काली मिट्टी, दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी या भूरी मिट्टी, ये सब अलग अलग स्थानों पर वर्ल्ड में अलग अलग तरह स्थानों पर पाई जाती है, और जहाँ पर जिस तरह की मिट्टी होगी वो जिस क्रॉप के लिए उपयोगी होगी वही क्रॉप उस इलाके में ली जाती है। कई बार उस मिट्टी में कोई स्थाई होती है जो उस रॉक को इरोजन कम हुआ है तो उसकी अपर, जिसको बोलते हैं टॉप सॉइल लेयर बहुत अच्छी होती है, वहाँ पे सबसे उपजाऊ होती है। जहाँ पर इरोजन हो चुका है और टॉप सॉइल की फर्टिलिटी कम हो चुकी है वहाँ पर हम आर्टिफिशियल मैन्योर देकर उस सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं जहाँ उर्वरकों की आवश्यकता होती है। लेकिन कोशिश ये की जाती है या सबसे अच्छे एग्रीकल्चर के लैंड वो माने जाते हैं जहाँ पर बेसिक रॉक में सारे मिनरल्स जो उस क्रॉप के लिए आवश्यक हैं, किसी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, कहीं लोहांश की मात्रा अधिक होती है, कहीं फास्फोरस अधिक होता है, कहीं नाइट्रोजन अधिक होता है, तो जिस क्रॉप को जो सबसे ज़्यादा मात्रा में चाहिए
उस क्रॉप का वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो सॉइल की फर्टिलिटी और सॉइल के टेक्सचर और उसके नेचर पर भी वहाँ का क्रॉपिंग पैटर्न डिसाइड होता है, ये भी आप स्पष्ट रूप से समझें। इसी के साथ में कुछ ह्यूमन फैक्टर भी है जो कृषि पर प्रभाव डालते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। आप जानते हैं कि अब लैंड यूज़ सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया है। लैंड यूज़ क्यों इम्पॉर्टेंट हो गया? लैंड यूज़ इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अब आपके पास ज़मीन तो सीमित है, लेकिन जनसंख्या का प्रेशर इस धरती पर बढ़ता जा रहा है, तो आप किसी ज़मीन का उपयोग किस खेती के लिए करेंगे? आए दिन आप सुनते हैं कि हम जंगलों को काटकर नगरों का विस्तार कर रहे हैं, हमें सड़कें बनाने के लिए ज़मीन चाहिए, हमें बड़े मल्टी बनाने के लिए ज़मीन चाहिए, लोगों के रहने के स्थान के लिए चाहिए, कमर्शियल एक्टिविटी के लिए लैंड चाहिए, और लोगों का भरण पोषण करने के लिए खेती के लिए भी लैंड चाहिए। तो अब इस कश्मकश में आप बेस्ट लैंड यूज़ क्या कर सकते हैं और किस कंट्री के पास कितना लैंड है और उस लैंड का वो इस्तेमाल कैसे कर रहा है, किस तरह की खेती का उपयोग करके अपने लोगों की जीवन निर्वाह के लिए वो खाद्यान्न का उत्पादन कर पा रहा है, ये भी डिपेंड करता है कि हम किस तरह के खेती को ले रहे हैं वहाँ पर। तो अवेलेबल आपके पास लैंड कितना है, किस कंट्री के पास जनसंख्या अधिक है और ज़मीन कम है, वहाँ पर अलग तरह की दिक्कतें हैं, और कहीं ज़मीन है और जनसंख्या और उन दोनों का रेशियो प्रॉपर है, वहाँ पर हम अच्छी स्थिति में हैं, और कहीं जनसंख्या कम है और लैंड अधिक है लेकिन वहाँ पर लोग नहीं है इसलिए खेती नहीं की जा सकती। तो अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है इस बात के डिसाइड करने के लिए कि वहाँ पर खेती का गहनता कितनी होगी। फिर कैपिटल, आज के समय में खेती में सबसे ज़्यादा पूंजी लगती है। पूंजी से मतलब मशीन, आज खेती वैज्ञानिक खेती हो रही है, उसमें मशीनीकृत खेती होती है, जब आप थ्रेशर का इस्तेमाल, ट्रैक्टर का इस्तेमाल और बड़े यंत्रों का इस्तेमाल खेती में करते हैं, उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे मीन्स ऑफ इरीगेशन का इस्तेमाल होने लगा है, या स्प्रिंकलर खेती भी करते हैं, तो एक बहुत बड़ी मात्रा में कैपिटल लगती है, बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। जो देश इस पूंजी की अवेलेबिलिटी को उपलब्ध करा पा रहे हैं वो खेती में बहुत आगे को हैं, और जहाँ पर जीवन निर्वाह के लिए या मध्यम क्लास कृषक अपनी खेती कार्य में लगे हैं वहाँ पर इस खेती का इतना अधिक विस्तार नहीं हो पाया है। तो ये विभिन्नता आपको इस आधार पर भी देखने को मिलेगी कि किस जगह पे पूंजी कितनी खेती के कार्य में लगाई जा रही है। फिर लेबर, सबसे ज़्यादा खेती कार्य, अब आप कुछ फसलें आप देखेंगे जैसे गेहूँ की बात हम करते हैं, तो गेहूँ में बहुत बड़ी बड़ी मशीनों से आप काम करा सकते हैं, कर सकते हैं वहाँ पर, बड़े अगर खेत हैं आपके पास, लेकिन चावल की खेती या कॉफ़ी की खेती या चाय की खेती, वहाँ पर आपको बड़ी मात्रा में लेबर लगता है, वहाँ आप मशीनों से प्लकिंग नहीं करा सकते। आपको जब चावल का पौधा रोपना है तो मनुष्य ही रोपेगा, वहाँ मशीनों द्वारा आप रोप नहीं सकते, तो बहुत बड़ी मात्रा में आपको लेबर की आवश्यकता होती है। या आप चाय की पत्तियाँ जब तोड़वाते हैं उस प्लकिंग के लिए भी बहुत बड़ी मात्रा में लेबर की आवश्यकता होती है। तो जिन स्थानों पर बहुत आसानी से आपको मजदूर प्राप्त हो जाते हैं वहाँ पे खेती कार्य ज़्यादा सुगमता से हो सकता है, और जहाँ पर मजदूरों की उपलब्धता कम होती है वहाँ पर कोशिश ऐसी की जाती है कि कमर्शियल ऐसी क्रॉप ली जाए जहाँ पर लेबर की आवश्यकता कम हो। इसी के बाद फिर मार्केट आता है। अब आप खेती कार्य में जो भी प्रोड्यूस करेंगे उसके लिए मार्केट सबसे पहली आवश्यकता है। अगर मार्केट आपका बहुत इजीली अवेलेबल है, मतलब आपका जो प्रोड्यूस होता है उसके लिए, जैसे मान लीजिए आप गन्ना उगाते हैं और गन्ना के लिए शुगर मिल है, तो आपने गन्ने में से बहुत जल्दी सूख जाता है वो और शुगर की मात्रा कम हो जाती है, आपने जैसे ही उगाया तुरंत फैक्ट्रियों में चला गया और वहाँ से शुगर निकलने लगी, तो शुगर केन की आपकी खेती लाभदायक होगी। अगर मान लीजिए आपको अवेलेबल नहीं है फैक्ट्रियाँ और आपका गन्ना उत्पाद होने के बाद 8 दिन तक 10 दिन तक, इसी के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलेंगे। पुनः स्वागत है आपका। मार्केट में हम अगर सुगमता से उपलब्ध है मार्केट,
तो खेती का विस्तार अधिक होता है और खेती अधिक मात्रा में उपयोगी होती है। उसी के साथ कंजम्पशन, अगर उपभोक्त उस वस्तु का वहाँ पर उस इलाके में किया जा सकता है तो उपभोक्ता पर भी निर्भर करता है, मांग पर निर्भर करती है। उपभोक्ता की मांग क्या है उस आधार पे हम प्रोड्यूस करने लगते हैं क्योंकि वो लाभदायक होती है खेती। फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड मैकेनाइजेशन, कितना आपने खेती में टेक्नोलॉजी का विस्तार किया है उतनी ही आपकी कमर्शियल क्रॉप ज़्यादा मानी जाएगी और वो मार्केट के लिए ज़्यादा उपयोगी होगी। वैसे ही मशीनीकृत अगर आप खेती करते हैं तो खेती आपको, आप अधिक मात्रा में उत्पादन ले सकते हैं और वो लाभ पहुंचाती है आपको। फिर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जैसे हमने बात की कि बहुत बड़ी मात्रा में कच्ची सामग्री जब आपको खेती से प्राप्त होती है तो वो आपको तुरंत फैक्ट्रियों तक पहुंचाने की आवश्यकता होती है, तो उस प्रोड्यूस को रखने के लिए स्टोर हाउस होने चाहिए और उन स्टोर हाउस से आपको फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होती है। तो बहुत इजी मात्रा में आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सड़कों की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, तुरंत उपलब्ध होनी चाहिए आपको। मीन्स आप उसमें बीच में अगर मान लीजिए बहुत दिनों तक जाम लगा रहा या बहुत दिनों तक आपका उत्पाद फैक्ट्री तक नहीं पहुंच पाया तो आपकी फसल का नुकसान होता है और उससे प्रोडक्शन आपका गिरता है। तो ये सारी स्थितियाँ, मतलब कृषि कार्य को करने के लिए कोई एक ही फैक्टर जिम्मेदार नहीं है, ये सारे फैक्टर मिलकर जब बहुत अच्छी सिचुएशन बनाते हैं तभी हम कहते हैं कि वहाँ की खेती एक अच्छी स्थिति में है और वो लाभदायक स्थिति में है हमारे सामने। फिर सोशियो कल्चरल फैक्टर भी आते हैं। सोशियो कल्चरल फैक्टर आप बहुत आसानी से भारत के संदर्भ में समझ सकते हैं कि जहाँ पर लैंड होल्डर्स कैसे हैं। लैंड होल्डर्स आप चकबंद लैंड होल्डर्स जानते हैं कि वो जमींदारी प्रथा आप जानते हैं उसके बारे में कि जमींदार पहले अपने खेतों को मजदूरों को दे देते थे और वो जमींदारी प्रथा के अनुसार खेती कराते थे। लैंड लेबरर ज़्यादा होते हैं कि लोग पट्टे पे जैसे अपनी खेती दे देते हैं, तो लैंड लेबर अगर वहाँ पे कार्य करता है तो वहाँ के लैंड होल्डर्स कौन है, तो खेतिहर मजदूर की स्थिति क्या है, ये सारी चीज़ों को आपको देखना होगा कि वहाँ पर लैंड होल्डर्स की स्थिति क्या है, लैंड ऑनरशिप किसके पास है, ज़मीन का असली मालिक कौन है, इस पर भी खेती का कार्य या खेती की उन्नति निर्भर करती है। फिर पॉलिटिकल फैक्टर भी आता है जहाँ पर सरकारें खेती के कार्य के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन देती है, जैसे आप भारत में देखते हैं हमें कई उसमें हम सब्सिडी देते हैं किसानों को, उनको उनका एक मूल्य डिसाइड कर देते हैं जिसे समर्थन मूल्य कहा जाता है कि इतना मिनिमम प्राइस तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। तो खेतियों किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए समय समय पर जिन देशों में मुख्य व्यवसाय खेती ही है वहाँ पे किसानों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकारें बहुत ज़्यादा काम करती हैं, उनको बहुत सब्सिडाइज रेट पर उर्वरकों की उपलब्धता कराती है, सिंचाई के साधनों का विस्तार करती हैं, वहाँ पर बीजों की उपलब्धता करती है, फिर प्रोडक्शन को मार्केट प्रदान करने के लिए बहुत अधिक उनको मदद प्रदान करती हैं, उसी के साथ में स्टोर हाउस में रखने की सुविधाएं प्रदान करती हैं। तो ये सिचुएशन किस कंट्री में कैसी है इस पर भी खेती निर्भर करती है। तो कुल मिलाकर आप इस बात को समझे होंगे कि जब प्राथमिक व्यवसाय खेती की जब हम बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से तत्व महत्वपूर्ण होते हैं और इन सारे तत्वों को मिलाकर हम किसी देश की खेती की व्यवस्था को देख सकते हैं। कृषि के प्रकारों की अब हम बात करते हैं कि कृषि कितने प्रकारों की होती है। अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की कृषि होती है। पहले आप एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर और इंटेंसिव एग्रीकल्चर को समझिए। इसे बोलते हैं हम गहन खेती, जहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक होती है और लैंड की कमी होती है। भारत, चाइना या दक्षिण एशिया देशों में जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में जनसंख्या होती है और ज़मीन की कम है तो वहाँ पर गहन खेती की जाती है। मतलब एक ही खेती, एक ही खेत पर तीन क्रॉप या दो क्रॉप लेने की कोशिश की जाती है। जैसे भारत में आप जानते हैं रबी की फसल, खरीफ की फसल, अलग अलग सीजन में अलग अलग तरह की फसलों को लिया जाता है। वैसे ही जहाँ पर जनसंख्या कम है और लैंड की अधिकता है वहाँ पे व्यापारिक कृषि की जाती है। वहाँ पे आप इंटेंसिव नहीं करेंगे, वहाँ एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर करेंगे, फैली हुई खेती आप देखेंगे और वो खासकर व्यापारिक खेती की श्रेणी में आती है। साल में एक ही क्रॉप लेंगे आप और बहुत बड़ी मात्रा में वहाँ पर लैंड पर आप क्रॉप लेंगे तो वो आपके लिए
अधिक उत्पाद प्रदान करती है। यहाँ पर जो इंटेंसिव एग्रीकल्चर होगी वो जीवन निर्वाह के लिए होगी, वो लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खासकर वो खाद्यान्न फसलों को लेते हैं जो उनकी जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है। तो एक टाइप ये भी होता है, खासकर हम इसका जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं कि आपके पास रिसोर्स कितने अवेलेबल हैं। उसमें हम दो प्रकार की खेती का कहते हैं, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर और इंटेंसिव एग्रीकल्चर। फिर पर्पस ऑफ प्रोडक्शन, आपका प्रोडक्शन का पर्पस क्या है, उस आधार पर हम चार भागों में बांट सकते हैं। सब्सटेंसिव एग्रीकल्चर मतलब जो जीवन निर्वाह के लिए होती है, यहाँ पर उद्देश्य हमारा लोगों को भोजन प्रदान करना होता है। और कमर्शियल एग्रीकल्चर जो पूरी तरह से व्यापार के लिए की जाती है। फिर जूमिंग एग्रीकल्चर, जूमिंग एग्रीकल्चर पहाड़ी इलाकों पर जूम खेती के अनुसार की जाती है, खासकर ये आदिवासी परंपरा है, जो अवेलेबल उनके पास लैंड होता था उस खेती पर वो उस जगह पे वो खेती करते थे और फिर थोड़े दिन बाद जब उसकी फर्टिलिटी कम हो जाती थी तो वो स्थान को छोड़ के अगले स्थान पर चले जाते थे। प्लांटेशन एग्रीकल्चर जहाँ पर रोपण कृषि की जाती है, खासकर बागाती कृषि, यहाँ पर रोपा जाता है पौधों को, एक साल तक कई सालों तक उसकी देखभाल की जाती है, उसके बाद वो लंबे समय तक आपको क्रॉप देता है। जैसे साल भर के लिए आप गन्ना की फसल आपको एक साल में प्राप्त होती है, केला है, जैसे रबर प्लांटेशन है, या कॉफ़ी है, या टी है, ये सब आपके प्लांटेशन एग्रीकल्चर कही जाती है। तो आप जानते हैं पर्पस ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर हम क्या कहेंगे, सब्सटेंसिव एग्रीकल्चर, कमर्शियल, जूमिंग और प्लांटेशन। ऐसे ही जो प्रोडक्शन आइटम है उसके अनुसार हम लेंगे क्रॉप फार्मिंग, जिसमें हम फसलें लेते हैं अलग अलग तरह की, गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, ये फसलें। लाइव स्टॉक फार्मिंग, इसमें पशुपालन मुख्य होता है, जहाँ पे पशुपालन का काम किया जाता है और पशुपालन पर आधारित व्यवसाय किए जाते हैं। मिक्स फार्मिंग में आप जानते हैं कि जहाँ पर खेती और पशुपालन दोनों साथ साथ होता है, पशुओं का उपयोग खेती कार्य के लिए किया जाता है और खादों के लिए भी किया जाता है, उर्वरक के लिए भी, उनका मैन्यूर के लिए भी इस्तेमाल होता है। फिर एक डेयरी फार्मिंग होती है, डेयरी फार्मिंग मुख्यतः पशुपालन पर आधारित होती है और यहाँ पशुओं का पालन उनसे प्राप्त उत्पादों का डेयरी के रूप में, जैसे दूध है और उस पर आधारित अन्य इंडस्ट्री, उसके लिए की जाती है। तो जो प्रोडक्शन आइटम है उसके आधार पर हम इनको चार भागों में बांट सकते हैं, क्रॉप फार्मिंग, लाइव स्टॉक फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग और डेयरी फार्मिंग। ऐसे ही लैंड ऑनरशिप के अनुसार, लैंड के ऊपर कैसी ऑनरशिप है, हमने पहले भी बात की। कलेक्टिव फार्मिंग, जहाँ पर सामूहिक खेती, खासकर साम्यवादी देशों में जब इकट्ठे खेत कर लिए जाते हैं सबके और बड़े पैमाने पर मशीनों का इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है, वहाँ पे हम कलेक्टिव फार्मिंग करते हैं। और कोऑपरेटिव फार्मिंग, वहाँ लोग स्वेच्छा से 10 लोग या 50 लोगों का एक ग्रुप होता है जो अपने खेतों के मालिक खुद नहीं होते हैं, वो एक संस्था को सौंप देते हैं और उसके आधार पर वो बराबर वितरण होता है, जो उस पर लाभ प्राप्त होता है उसका, तो एक कॉर्पोरेटिव फार्मिंग भी होती है। फिर एक पीजेंट फार्मिंग होती है, ये कृषक कृषि कही जाती है, जो कृषक केवल अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए खेती करता है, मतलब उसके अपने घर के खाने के लिए वो खेत का प्रयोग करता है, अपने उस खाद्यान्न का उपयोग किसी बाजार में बेचने के लिए नहीं करता, वो केवल अपनी आवश्यकताओं और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए वो खेती करता है, उसे हम पीजेंट खेती कहते हैं। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के अनुसार, कि पानी की उपलब्धता सबसे महत्वपूर्ण है। आज आप जानते हैं कि सबसे बड़ा क्राइसिस खेती में सब खड़ा है कि बात को लेकर, कि इरिगेशन की कमी है और वाटर अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है। तो जो ह्यूमिड और वेट फार्मिंग है, जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है और ह्यूमिडिटी वर्ष भर बनी रहती है, उन इलाकों में हम ह्यूमिड और वेट फार्मिंग करते हैं। फिर ड्राई फार्मिंग, कुछ इलाकों में आप देखते हैं कि जहाँ पानी बहुत कम होता है, साल भर वर्षा की मात्रा कम होती है, वहाँ पर बहुत मोटा अनाज या ऐसे उत्पाद लिए जाते हैं जो केवल अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, खासकर आप राजस्थान इलाके की तरफ जाएं तो मोटा अनाज और इस तरह की खेती की जाएगी, वो ड्राई फार्मिंग की श्रेणी में आएगी। और इरिगेटेड फार्मिंग, जहाँ पर पानी तो की उपलब्धता तो कम है लेकिन वाटर रिसोर्सेस हमारे पास, जैसे कुएं हैं, नहरें हैं, तालाब हैं, नदियां हैं, उनसे नहरें बनाकर या अन्य साधनों से हमने इरिगेशन की अगर सुविधा उपलब्ध कराई है, तो वहां पर हम इरिगेटेड क्रॉप ले रहे हैं या इरिगेटेड फार्मिंग कर रहे हैं।
अब हम अलग अलग क्रॉप को लेने की कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ पर हम हमारी जो पाठ्यक्रम में है खासकर वीट या गेहूं की हम बात करें तो गेहूं के लिए जो तापमान चाहिए ये असल में उपोष्ण कटिबंधीय पौधा है, यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय पौधा है, यहाँ पर खासकर आपको 10 से 20 डिग्री टेम्परेचर चाहिए गेहूं के खेत के लिए। और जब ये ग्रो होता है, जब इसमें उगने दाना आने को होता है, तब इसका 15.5 के आसपास डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना अनिवार्य है। अगर इससे अधिक होता है या 10 डिग्री से कम होता है तो गेहूं की फसल के लिए वो उपयुक्त नहीं माना जाता। तो टेम्परेचर आप ध्यान रखिए कि किसी क्रॉप के लिए, एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए कौन सा टेम्परेचर आवश्यक है और उसके लिए वर्षा की मात्रा कितनी है। जब हम गेहूं की बात करते हैं तो उसमें वर्षा हमें चाहिए 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर। अगर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा, अधिक वर्षा है तो भी गेहूं के लिए नुकसानदायक हो सकती है, लेकिन 25 सेंटीमीटर 50 के आसपास अगर आपको देखने को मिलेगी वर्षा जहां, वहां पे इरिगेशन की भी आवश्यकता पड़ सकती है। तो 25 से 75 के बीच सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा आवश्यक है गेहूं के पौधे के लिए। और जहाँ तक सॉइल की बात है कि सॉइल सूटेबिलिटी फॉर वीट, आइदर लाइट क्ले और हेवी लोम, एक हेवी लोम और लाइट अगर काली मिट्टी है, जो हल्की परत वाली काली मिट्टी है, वो भी इसके लिए होती है। सबसे महत्वपूर्ण होती है जो चर्नोजम, जिसको सॉइल कहते हैं हम, चर्नोजम स्टेपीज और प्रेरी के मैदानों में जो बीच में मिलती है, जो घास के मैदानों में मिलती है, उसे हम कहते हैं, उसे ब्लैक अर्थ रीजन भी कहा जाता है, जहाँ यूक्रेनिया क्रॉप कही जाती है। यूक्रेन को दुनिया का ब्रेड बास्केट कहा जाता है, जहाँ सबसे ज़्यादा गेहूँ हम कहते हैं उगता और सबसे ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन वहाँ पर गेहूँ के लिए होती है। तो आप चर्नोजम टाइप की सॉइल को कह सकते हैं बेस्ट क्रॉप। और फिर डार्क ब्राउन सॉइल, जैसे नॉर्थ अमेरिका में देखने को मिलती है, अर्जेंटीना के आसपास, ये भी बहुत अच्छी है, जिसको पेडजोलिक सॉइल कहा जाता है, और डेसिरस जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर भी इसके लिए सबसे बेस्ट सिचुएशन है। तो कुल मिलाकर जहाँ पर इस तरह की कैल्शियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है और लोहांश की मात्रा ज़्यादा होती है, वो सॉइल सबसे ज़्यादा उपयोगी वीट के लिए होती है। अगर आप टोपोग्राफी की बात करें तो ये प्लेन होना चाहिए, और हल्का सा रोलिंग टोपोग्राफी हो सकती है गेहूं के लिए। और प्लेन इसलिए भी आवश्यक है कि गेहूं की खेती के लिए बहुत बड़ी मात्रा में आप मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, तो जब मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं तो वो उबड़ खाबड़ नहीं होना चाहिए, मतलब वो स्लोपी नहीं होना चाहिए, वो प्लेन होना चाहिए। इसीलिए हम वहाँ पर सबसे अच्छी तरह से गेहूं की खेती कर सकते हैं। जितना भी कमर्शियल वीट होता है वो ग्रासलैंड में होता है, आप जानते हैं स्टेपीज का नाम आपने सुना है, प्रेरीज और पंपास के मैदान जो साउथ अमेरिका में कहे जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इसको डाउन्स कहा जाता है। तो ये सबसे बेस्ट इलाके हैं, घास के क्षेत्र जहाँ पर हम गेहूं की खेती करते हैं। अगर आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड में देखना चाहते हैं तो आप इस मानचित्र के माध्यम से देख सकते हैं, आप देखेंगे पूरा यूरोप और भारत का हिस्सा, चाइना वाला हिस्सा, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का अर्धचंद्राकार, अर्जेंटीना वाली पेटी आप इसको देख सकते हैं। अगर इसका आप टॉप 10 में देखें तो सबसे ज़्यादा यूरोपियन यूनियन, आप नक्शे में भी देख पा रहे थे, जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन 2018 का प्रोडक्शन का डेटा मैं आपको दे रही हूँ, ये यूरोपियन यूनियन सबसे टॉप पर है, फिर चाइना सेकेंड है वर्ल्ड में, फिर इंडिया थर्ड नंबर पर आता है गेहूँ के प्रोडक्शन में, रशिया, फिर यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा, पाकिस्तान, यूक्रेन जिसके हम बात कर रहे थे, ब्रेड ऑफ बास्केट कही जाती है, अर्जेंटीना, टर्की, ये इस सीक्वेंस में आप देख सकते हैं कि दुनिया में गेहूं का प्रोडक्शन इस तरह से होता है। अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस की गेहूं की बात करें तो हम कह सकते हैं कि मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्री है, जो सबसे ज़्यादा अपने यहाँ से निर्यात करते हैं गेहूं का, वो है यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया। इम्पोर्टेंट कंट्री जो इम्पोर्ट करती है, हालांकि गेहूं का एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ मात्र 14% के आसपास आयात निर्यात होता है, बिजनेस होता है इसका, लेकिन फिर भी कभी कभी चाइना और इंडिया अपनी आवश्यकता के लिए गेहूं का आयात करते हैं, बाकी सब अपनी आवश्यकता की उपलब्धता के अनुसार गेहूं का प्रोडक्शन करते हैं। फिर आते हैं हम चावल पर। चावल आप जानते हैं कि बहुत इंटेंसिव खेती की जाती है चावल की, और ख़ासकर मध्य एशिया वाला क्षेत्र है चावल का। इसमें कल्टिवेटेड अंडर वेराइटी ऑफ क्लाइमेट और सॉइल कंडीशन, राइस कम्स अप
विल रिवाइ मतलब खासकर रिवेरियन एल्यूवियल सॉइल चाहिए इसके लिए जो नदी के किनारे पर होती है और एल्यूवियल सॉइल की आवश्यकता होती है। रेनफॉल इसको बहुत प्रचुर मात्रा में चाहिए। यहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में ही हम चावल की खेती कर सकते हैं। टेम्परेचर चाहिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण है कि टेम्परेचर वहाँ पर कितना हो, क्योंकि चावल का पौधा रोपा जाता है और उसको कई समय तक पहले पानी में भिगोया रहता है, वो पानी उसमें भरा होता है और उसके बाद उसकी सोइंग होती है। तो टेम्परेचर प्रॉपर चाहिए उसमें 25 से 30 डिग्री। इसमें एक कहावत है, कही जाती है कि राइस नीड्स प्लेंटी ऑफ लेबर, प्लेंटी ऑफ वाटर एंड प्लेंटी ऑफ पीपल, क्योंकि चावल की खेती को आप मशीनों द्वारा नहीं कर सकते। जैसे हमने पहले भी बताया, चावल की खेती में पानी भी खूब चाहिए, उसमें लेबर भी बहुत ज़्यादा चाहिए, उसमें आपको वहाँ पर लोगों की आवश्यकता होगी। इसलिए चावल की खेती खुरपी की कृषि कही जाती है, क्योंकि वो हाथ से की जाती है, वो मशीनों द्वारा नहीं होती। इसलिए चावल की खेती उन इलाकों में सर्वाधिक होती है जहाँ पर जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा है, खासकर आप देखेंगे भारत और चीन में। इसको अगर आप वर्ल्ड मैप पर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं भारत, चीन, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इस इलाके में सबसे ज़्यादा आपको वितरण देखने को मिल रहा है चावल की खेती का। और अगर इसको वर्ल्ड वाइड आप देखें तो कह सकते हैं चाइना सर्वाधिक, सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूस क्षेत्र है, फिर दूसरे नंबर पर इंडिया आता है, फिर इंडोनेशिया, फिर बांग्लादेश, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, फिलीपींस, ब्राज़ील और जापान। इस सीक्वेंस में हम देख सकते हैं चावल का प्रोडक्शन। चावल का भी वैसा ही है, इसका आयात निर्यात बहुत कम एरिया में होता है, क्योंकि जहाँ पर चावल प्रोड्यूस किया जाता है वहीं पर उसकी खपत हो जाती है, इसलिए बाकी देशों में उसका उपयोग भी नहीं होता, इसलिए आयात निर्यात बहुत कम मात्रा में होता है। फिर एक महत्वपूर्ण फसल होती है शुगर केन, जिससे आप जानते हैं कि गन्ना, और इससे हम शुगर बनाते हैं और गुड़ और इसका निर्माण होता है, और ये एक प्लांट बागाती फसल कहलाती है। इसके लिए रेनफॉल जो चाहिए होती है वो 125 से 175 सेंटीमीटर चाहिए आपको। इसमें एडिक्वेट प्रोवाइडेड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राइट अबंडेंट इन द मंथ ऑफ वेजिटेबल ग्रोथ फॉलोड बाय ड्राई पीरियड फॉर रिपेयर, मतलब एक ऐसा बीच का आपका इलाका चाहिए जो उस जब पानी की आवश्यकता नहीं होती, जब वो ग्रो कर रहा होता है, लेकिन जब आप उसको रेपल करते हैं या जब आप उसको बोते हैं उस वक्त आपको पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। इसके ग्रोथ के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है वो 20 से 27 डिग्री चाहिए होता है टेम्परेचर। और इसमें जो सॉइल की आवश्यकता होती है, इसमें जो इसी के साथ हम एक छोटा सा अंतराल के बाद आपसे मिलते हैं। पुनः स्वागत है आपका। जो गन्ने के लिए जिस तरीके की आपको क्रॉप चाहिए, जिस तरह की मिट्टी चाहिए, वो मिट्टी की ज़रूरत होती है लोमी सॉइल, और उसमें डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। इसी की तरह इसी के साथ उसमें लाइम और फास्फोरस की मात्रा अधिक होनी चाहिए। जो शुगर केन की एक्सपोर्ट कंट्री है जो सबसे ज़्यादा है वो क्यूबा है, सबसे ज़्यादा क्यूबा में होता है, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया, फिलीपींस, थाईलैंड। और जो इम्पोर्ट करते हैं, जो उसका आयात करते हैं, वो यूएसए है, कनाडा, यूके और अदर यूरोपियन कंट्री। ये आप शुगर केन को देख सकते हैं इस तरह से। शुगर केन का आप इलाका इस मानचित्र के माध्यम से देख सकते हैं। आप देख रहे हैं चाइना, ब्राज़ील, खासकर इंडोनेशिया, ये इलाके। फिर आते हैं हम टी पर, एक बहुत स्पेसिफिक है। टी बेसिकली चाइना का नेटिव पौधा है, जो सबसे पहले चाइना में चाय का इस्तेमाल हुआ और वहाँ पर औषधीय के रूप में हम चाय का इस्तेमाल देखते हैं, जो हिस्टोरिकल अगर डेवलपमेंट आप उसका देखें तो।
चाय का प्लांट होता है, बागान देखे होंगे आपने जो थोड़े हिली रीजन पर देखने को मिलते हैं, वो भारत में आप आसाम में देख सकते हैं, साउथ में देख सकते हैं, या मुन्नार क्षेत्र में देख सकते हैं। तो वहाँ पर बागात में इस प्लांट को रोपा जाता है और उसके बाद उसकी लीव्स से चाय को लिया जाता है। इसके जो बागान हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा रेनफॉल की जो ज़रूरत होती है वो 125 से 250 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर आपको उसमें चाहिए, और लाइट शावर चाहिए। मतलब बहुत हेवी रेनफॉल जहां होगा वहां पर चाय के बागान नहीं हो सकते, हमेशा लाइट शावरिंग होगी वहां, वो उपयोगी है। फिर टेम्परेचर की बात करें तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए इसके लिए। सॉइल देखें तो डीप लोमी सॉइल चाहिए और ह्यूमस बहुत अधिक मात्रा में चाहिए इसके लिए। पोटाश और आयरन और फास्फोरस अगर जिन सॉइल में है वो सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है इसके लिए। रिलीफ, जैसे हमने कहा कि वाटर लॉगिंग नहीं होना चाहिए, पानी किसी जगह पे एक स्थान पे रुकना नहीं चाहिए, स्लोपी होगा तो पानी उसमें रन ऑफ हो जाएगा, और इसीलिए हम कहते हैं कि वहाँ पर ऐसी इलाके होना चाहिए जहाँ पे पानी स्लो पे चले जाए, वाटर लॉगिंग ना हो। वो सबसे ज़्यादा अगर वाटर लॉग्ड होता है तो वो हार्मफुल होता है टी के लिए, स्लोपी रीजन होना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि यहाँ पर उन इलाकों में चाय की खेती हो सकती है जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में लेबर मिलता है, और ख़ासकर विमेन लेबर होगा, क्योंकि बहुत नाजुक होती है टी की जो लीव्स होती है, जब उसको प्लक किया जाता है, जब उसको निकाला जाता है तो वो बहुत नाजुक हाथों से तोड़कर उसको इकट्ठा किया जाता है और फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है टी बनाने के लिए। तो बहुत बड़ी मात्रा में लेबर चाहिए होता है, जितनी भी उसकी प्लकिंग होगी या लीव्स निकाली जाएगी वो मेन पावर के थ्रू ही निकाली जाएगी, मतलब उसमें मनुष्य ही लगेगा, आप किसी भी तरह की मशीन का उपयोग वहाँ नहीं कर सकते। इसीलिए उन्हीं इलाकों में होती है जहाँ पर बहुत पर्याप्त मात्रा में लेबर प्राप्त होता है, ये उसके लिए बहुत ज़रूरी कंडीशन है। आप चाय को वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन में देख सकते हैं किन किन इलाकों में देख, इसमें अगर हम कंट्री वाइज इसकी रैंकिंग करें तो चाइना सबसे ऊपर है, फिर इंडिया सेकेंड उस पर आता है, केन्या, श्रीलंका, श्रीलंका एक्सपोर्ट भी करता है चाय को, वियतनाम, टर्की, ईरान, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना और जापान। अगर आप एक्सपोर्टिंग कंट्री की बात करें तो श्रीलंका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है चाय का, चाइना, फिर इंडिया, केन्या और इंडोनेशिया, और जो आयात करते हैं, जो इंपोर्ट करते हैं वो यूके है, वेस्टर्न यूरोप है, रशिया, यूएसए और कनाडा, ये आयात करते हैं चाय का। फिर कॉफ़ी आता है, चाय की तरह ही कॉफ़ी उसी की तरह है, कॉफ़ी तीन तरह की देखने को आपको मिलती है, एक तो है अरेबिया, रोस्टेरा और लाइबेरिया, तीन तरह की कॉफ़ी होती है और सबसे ज़्यादा लाइबेरिया का इस्तेमाल होता है। अलग अलग तरह की क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। ब्राज़ील का पौधा है, खासकर ब्राज़ील में इसको सबसे ज़्यादा पाया, सबसे पहले पाया गया ये। टेम्परेचर इसके लिए चाहिए 15 से 30 डिग्री सेल्सियस और वार्म क्लाइमेट चाहिए। रेनफॉल चाहिए इसके लिए 150 से 250 सेंटीमीटर। सॉइल जो वेल, जैसे चाय के लिए है कि वेल ड्रेन सॉइल चाहिए जिसमें पानी रुके ना, और इसमें पोटाश कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, और आयरन और ह्यूमस भी ज़रूरी है इसके लिए। अगर आप चाय की कंट्री की बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी की बात करें तो ब्राज़ील सबसे मेन है, फिर कोलंबिया, इंडोनेशिया, इथोपिया, ये सीक्वेंस आप देख सकते हैं, इस मानचित्र के माध्यम से आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा ब्राज़ील इसको निर्यात करता है, कोलंबिया और यूएसए और जर्मनी इसको सबसे ज़्यादा आयात करते हैं। ऐसे ही आप कॉटन को देख सकते हैं, कॉटन की क्रॉप में 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए, टेम्परेचर 20 से 28 डिग्री चाहिए, इसमें भी डीप सॉइल चाहिए और लोमी सॉइल होना चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा होना चाहिए, स्लाइट स्लोप होना चाहिए और वाटर लॉग नहीं होना चाहिए। सबसे ज़्यादा आप देख सकते हैं कॉटन इंडिया, चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इस तरह से आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। इंडिया सबसे ज़्यादा कॉटन प्रोड्यूस करता है लेकिन क्वालिटी इंडिया की उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी मिस्र की है, और चाइना, फिर यूनाइटेड स्टेट्स, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इसमें देखा जाए तो यूएसए, पाकिस्तान, मिस्र, टर्की, ब्राज़ील, सूडान, ये निर्यात करते हैं, और आयात करने वाले जापान, यूके, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, ये आयात करते हैं। इसी तरह एक गोल्डन फाइबर होता है जूट,
जूट का एक पौधा होता है जिसको पानी में सड़ाया जाता है और उसके बाद उस पे उसको धो के उसका उपयोग किया जाता है। ये खासकर डेल्टा के इलाके में होता है। भारत में सबसे ज़्यादा जूट भारत और बांग्लादेश में होता है, खासकर गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में, उन इलाकों में जूट का उत्पादन होता है। ये लोमी और अल्काइन सॉइल चाहिए इसके लिए और पानी की अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा चाहिए। जूट आप जानते हैं जूट के थैले बनाने के काम में आता है, सबसे ज़्यादा पैकेजिंग के काम में जूट का इस्तेमाल होता है। ये आप इलाका देख सकते हैं जहाँ पर जूट की खेती होती है। इंडिया सबसे टॉप पर है, बांग्लादेश, चाइना, उज्बेकिस्तान, नेपाल इसका प्रोडक्शन देख सकते हैं। एक्सपोर्ट करता है बांग्लादेश, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, और इम्पोर्ट जो करते हैं वो है यूएसए, जापान, यूरोपियन कंट्री। ऐसे ही वूल आप एक बहुत है, वूल भेड़, याक और ऊँट के माध्यम से होता है। शीप वूल जो होती है वो सबसे ज़्यादा मरीनो शीप उपयोगी कही जाती है और इसका बहुत अच्छा वूल होता है। वूल के लिए अगर आप लार्जेस्ट वूल प्रोड्यूसिंग कंट्री देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया है सबसे ज़्यादा, चाइना फिर दूसरे नंबर पर है, यूएसए, न्यूजीलैंड, अर्जेंटाइना, टर्की, ईरान, यूके, इंडिया, सूडान, ये देखा जाएगा। उसके बाद वर्ल्ड प्रोड्यूसिंग में सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया का हिस्सा है, फिर चाइना का हिस्सा है, फिर न्यूजीलैंड, फिर अर्जेंटाइना, यूके, साउथ अमेरिका, यूरुग्वे का है और अदर्स में सबसे सब बाकी कंट्री आ जाते हैं। इसमें जो एक्सपोर्ट करते हैं वो ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड, अर्जेंटाइना, इम्पोर्ट करते हैं वो चाइना है, यूरोप है, इंडिया है। ऐसे ही एक इम्पोर्टेंट मटेरियल है जिसे कहा जाता है हेविया ब्रिसलेसिया रबर। रबर एक आर्टिफिशियल तरीके से भी लिया जाता है, खासकर अमेजन बेसिन और ब्राज़ील में देखने को मिलेगा। रबर दो तरह का होता है, एक नेचुरल होता है, एक सिंथेटिक होता है। नेचुरल रबर आपको प्लांट से प्लक करके मिलता है, जिससे गम, इरेजर, वाटरप्रूफ मटेरियल, टायर, आप जानते हैं स्पोर्ट्स गुड मैन्युफैक्चर होता है। इसके लिए 20 to 35 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, रेनफॉल 150 to 300 चाहिए, सॉइल आपकी फर्टाइल डीप लोमी सॉइल होनी चाहिए और रिलीफ प्लेन होना चाहिए, ड्रेनेज सिस्टम डिज़ायरेबल है। आप देख सकते हैं इसमें हम किस तरीके से प्लग करके पेड़ों को काट के उससे नेचुरल, जिसे कहा जाता है नेचुरल रबर निकालते हैं और फिर इसको सुखा के प्रोसेस किया जाता है और वो रबर आपके इस्तेमाल होता है। वर्ल्ड के जो बिगेस्ट रबर कंट्री है वो आप देख सकते हैं इंडिया के इलाके में, ब्राज़ील सबसे ज़्यादा है, फिर आपको जो हवाई द्वीप हैं या मैक्सिको वाला इलाका है वहाँ देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप रबर का डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं। इसमें थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडिया ये सारी कंट्री हैं। इस सब के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जितनी क्रॉप आपके पाठ्यक्रम में है उन सब का वितरण, उन सब के लिए उपयोगी भौगोलिक दशाओं की हमने बात की और इससे आज आप स्पष्ट रूप से समझ पाए होंगे कि खेती के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है। इसी के साथ धन्यवाद।